अब जो कुछ होगा देख लेंगे। हम क्या कहीं जा रहे यहाँ से, आंदोलन जीवी तो हम ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं तो अपने घर पर रहते। इनको बताएगी, देश की जनता बताएगी आने वाले टाइम पे, जिस तरह से पूरे देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं। अभी विशाखापट्टनम में थे 2 दिन पहले, वहाँ का एक जो स्टील प्लांट है जिसमें 25,000 एकड़ जमीन है, और जो वहाँ के किसानों ने दी थी उसको बेचा जा रहा, देश के जो बड़े संस्थान हैं उनको बेचा जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे आम जनता को इस चीज़ का सबको रहेगा, जिस तरह से रोजगार छीनने जा रहे हैं, जिस तरह से करीब 23 बड़े संस्थान देश के बिखरे हैं, तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा 2024 तक अगर आंदोलन नहीं होगा और इसको ना रोका गया, तो ये देश तो 80% बिक चुका होगा 2024 तक। तो इसको रोकना पड़ेगा, आंदोलन में जाना पड़ेगा, सभी जवानों को, सभी किसानों को, सभी मजदूरों को, व्यापारियों को, दुकानदारों को, सबको उठना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। तो दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, आप दिल्ली हाँ, जाने की दिल्ली बात कर में रहे लगा हैं। दिया लॉकडाउन, एक हफ्ते का लगाया वहाँ भी। वो तो बढ़ता ही जा रहा है, पहले वीकेंड कर दिया था। हाँ, एक हफ्ते का लगाया थे, 26 तारीख। हमें क्या लेने जाना दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। आपने बोला ना दिल्ली संसद भी जाएंगे, अभी नहीं संसद जा रहे, के लिए अभी तो नहीं जा रहे संसद, वो कैंसिल कर दिए। जिस तरीके से आप आंदोलन करने पे लगे हुए हैं, तो फिर गवर्नमेंट का जो हाँ, नेता ये जमात है नहीं है मरकज जी, ये ना मरकज है ना ये जमात है, ना ये शाहीन बाग है, ये किसान है। नहीं, आपको डर नहीं लगता है कि सारी जिम्मेदारी हमारे हम पड़ जाएगी आपको कहीं की? अगर कोरोना से हाल बिगड़ता है किसानों को, और सरकार पर पड़ेगी इसकी जिम्मेदारी या हॉस्पिटल पर पड़ेगी, सरकार की जिम्मेदारी ना। कोई बीमारी आती है तो सरकार की जिम्मेदारी है। अभी कई कई लाख केस आ रहे, तो उसमें भी यही जिम्मेदार रहेगा किसान, सरकार जिम्मेदार है, सरकार उस पर ध्यान दे। चुनाव आ चुनाव में जा रही, बंगाल जा रही, आ जाएगी 3 तारीख में, सब यहीं आ जाएंगे 3 तारीख के बाद में होगा फिर जो कुछ होगा, सरकार भी आ जाएगी यहीं तो मिलेंगे सरकार। भीड़ भीड़ नहीं है, भीड़ कम हो गई है उस तरीके का। भीड़ बुलावे तो कोरोना का डर दिखाओ, भीड़ ना बुलावे तो भीड़ कम होगी, आएगी भीड़ जैसे जैसे सरकार आ जाएगी 3 तारीख में, भीड़ भी आ जाएगी। गेहूँ काटने जा रही भीड़, अभी किसान भीड़ आएगी वापस आ जाएगी। सर, जैसे कोरोना केस बढ़ रहे हैं, आप लगता है कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? नहीं, क्यों, किसी हकीम ने बताया कोरोना केस बढ़ रहा है आंदोलन खत्म करके? आंदोलन अगर खत्म हो जाएगा तो देश से कोरोना खत्म हो जाएगा भाई? ये गारंटी है कि अगर आंदोलन खत्म हो जाएगा तो देश से कोरोना खत्म हो जाएगा? देश में बीमारी है, एक बीमारी आ रही तो आंदोलन का बीमारी से क्या मतलब उससे? दिल्ली के नजदीक है, अगर ये गांव में जाएंगे, अगर वहां बीमार होंगे तो दिल्ली आने में टाइम लगेगा। अब यहाँ पे बैठे बीमार होंगे, कम से कम अस्पताल तो नजदीक है। मैक्स वाले ने कह रहा क्या कि किसान जो यहाँ पे बैठा है इलाज फ्री करूंगा, इलाज फ्री करेगा, मैक्स सबसे नजदीक हॉस्पिटल है। सरकार भी कह रही कि अपने नजदीक हॉस्पिटल में दिखाओ। साहब, दिल्ली में कोरोना जो है सरकार की डर है, जिसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, कोरोना तो अभी बंगाल में जा रहा है, यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो 3 तारीख के बाद आएगा। अगर यहाँ किसानों को कोरोना होता है तो क्या उसकी अस्पताल अस्पताल लेगा जिम्मेदारी, और भारत सरकार लेगी? राकेश टिकैत की भी जिम्मेदारी नहीं, राकेश टिकैत की क्या, मैं कोई डॉक्टर हकीम हूँ कुछ? बीमारी है, हवा में बीमारी फैल रही, तो राकेश टिकैत कहीं की जिम्मेदारी लगा? हम आंदोलन की जिम्मेदारी लेंगे, हम आंदोलन की जिम्मेदारी लेंगे, हम ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी लेंगे, हम सब चीज की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन कोरोना की जिम्मेदारी तो सरकार की है, तो ठीक करने का उसका। सरकार तो कह रही है घर चले जाओ। अच्छा, सरकार कोई एडवाइजर बॉडी की मेंबर है किसान यूनियन की? चिंता कर रही है आपकी? नहीं, चिंता ना करे, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको नहीं जरूरत है चिंता करने की। किसान ये यही रहेगा, यही हमारे घर है, जहाँ 5 महीने से रह रहे हैं, तो यही तो घर है हमारे। अब क्या इंतजाम आप लोग कर रहे हैं कोरोना को लेकर? कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, अपना सोशल डिस्टेंस बना कर रख रहे हैं, मास्क लगा रहे, सैनिटाइजर कर रहे।